चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने मैथमेटिकल टूल्स में बाइनोमियल पढ़ ली थी थ्योरम, और बाइनोमियल का छोटा सा एक्सप्रेशन मैंने एंड में निकाल के दिया था, केवल यूज़ वही होना भाई, वो 1+xn जो था यूज़ वही होना है। और मैंने बताया था कि दो डेरिवेशन है उनके और उनमें यूज़ होना है। पर एक नॉलेज वाली बात है कि आप थोड़े से बड़ी क्लास में आ गए हो, 11th क्लास में आ गए हो, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम मेंसुरेशन। अच्छा, मेंसुरेशन की बात करूं तो इस सबसे आप भली भांति परिचित हैं। यहाँ पे हमने एरिया, सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अटरम झटरम बहुत कुछ बातें हमने करी। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके इसमें यूज़ होंगे, वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। आपके कोई भी बुक ले लेना आप, देखिए ये कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कट सरफेस एरिया ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। ये फॉर्मूले आपके इतने तो कम से कम 100% यूज होने ही होने हैं। तो इसमें फॉर्मूले ये ज़्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है, तो ये मेंसुरेशन की बात। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका ट्रिग्नोमेट्री, वो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अरे ट्रिग्नोमेट्री की मैं आपसे बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, मेन जो चीज हमें सीखनी है उससे आते हैं। क्योंकि यहां पे हमने कुछ एंगल्स सीखे सबसे पहले, इसमें ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल कुछ इस तरह के आए। मैं छोटी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप बहुत भली बात ही जानते हो। ट्रिग्नोमेट्री में जो मेन कहानी है, जो चारों तरफ दौड़ती है, वो किसकी दौड़ती है, एक राइट एंगल, ये एंगल को जिसे कहा हमने एंगल थीटा। इस थीटा के सामने वाली जो लाइन होती है क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। जो नीचे होती है वो बेस कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है। एक छोटा सा फॉर्मूला आया यहाँ से हाइपोटेनियस का, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ हम एक बात और जानते हैं कि जैसे जैसे ये एंगल छोटा होगा, बात समझ में आ रही है, थोड़ा ध्यान देना, जैसे जैसे ये कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल छोटा होगा, वैसे वैसे पी हमारा क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। क्योंकि एंगल छोटा होगा, पी हमारा छोटा होगा। इस चीज को थोड़ा देखें, मैं आपको कुछ अलग चीज समझाना चाह रहा हूं। देखो इस तरह से देख सकते हैं, मान लीजिए ये एक हमारा सर्कल बना हुआ है, ठीक है, जिसकी इसका कोई एक सेंटर है, इसको मैं चार क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया। आप जानते हो क्वाड्रेंट क्या होते हैं, बहुत भली बात ही जानते हो, ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको भी और बताऊंगा। इस चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया और ये हमारी क्या है, एक रेडियस आर। अच्छा, यदि ये रेडियस आर है, यहां से मैंने कोई एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट पी, और इसको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ले गया, इसको मैं यहां तक ले गया, तो यहां से ये पॉइंट पी कहां पहुंच गया, यहां तक, मतलब कुछ इसने डिस्टेंस कवर कर ली। अब मेरी बात पर थोड़ा ध्यान देना, इस पॉइंट पे मैं दो परपेंडिकुलर डालता हूं, एक परपेंडिकुलर ये, एक परपेंडिकुलर ये। यदि मैं इस ट्राइंगल को देखूं तो ये कौन सा ट्राइंगल है, किस तरह का ट्राइंगल है, ये कहीं ना कहीं मैच कर रहा है मेरे ऊपर वाले से, नहीं कर रहा, 90 डिग्री 90 डिग्री, थीटा थीटा, मतलब ये पर्टिकुलर कंटिन्यूसली क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। अब ध्यान देना, जैसे जैसे सर्किल में ये थीटा चेंज हुआ, वैसे वैसे ट्रायंगल में ये वाली हाइट बढ़ती चली जाएगी। कितनी बड़ी होगी, जब तक ये हाइट इस रेडियस के बराबर नहीं हो जाती है पूरी, आज समझ में आ रही है, क्योंकि जब यहाँ आएगा थोड़ी और बड़ी, यहाँ आएगा थोड़ी और, तो जब मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हाइट मेरी बढ़ रही है, बात समझ में आई। तो ये थीटा, थीटा को यहाँ पे हमने एक नाम दे रहे हैं, आपकी साथ एक नया नाम जुड़ने वाला है, उसको मैं बोल रहा हूं क्या, 1 रेडियन। रेडियन ये जो भी एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन। यदि मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूं तो जो किस तरह से आती है, यहां पे फॉर्मूला होता है थीटा का, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थोड़ा सा ध्यान देना, नए टॉपिक शुरू हो रहे हैं आपके लिए, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या, जितना ये थीटा चला, आर्क क्या है, ये यहां से लेके यहां तक की लाइन, इसको मैं क्या कह दूं, कोई लेंथ एल, ठीक है, ये हमारी हो गई एल लेंथ अपॉन रेडियस आर।
अच्छा यदि ये एल लेंथ पूरी हो जाए, मतलब सबसे पहले ये यहाँ से एंगल बढ़ना शुरू हो तो हाइट मेरी बढ़ेगी, अब एंगल यहाँ जाएगा तो हाइट मेरी घटेगी, इस बात पे शब्द पे जाना, यहाँ तक बढ़ने में हाइट बढ़ी, फिर हाइट घटी, फिर हाइट बढ़ी लेकिन इन नेगेटिव डायरेक्शन, वो फिर हाइट घटी, इस शब्द पे जाना। इस शब्द को और एक्सप्लेन करूंगा इस लाइन को ढंग से मैं, ठीक है। तो ये पूरी एल लेंथ कवर करी तो कितना कवर हुआ, हम जानते हैं कितना कवर हुआ, सरकमफ्रेंस आई मेंस्ट्रुएशन मैंने दिखाया था 2 पाई आर, रेडियस कितनी है आर, ये कट गया। यदि मैं बात करूँ थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कवर हुआ, आप कहोगे 360 डिग्री, किसके बराबर आ गया ये 2 पाई। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, रेडियन, तो 2 पाई किस में दिया हुआ है, ये रेडियन में। बात समझ में आ रही है, थोड़ा ध्यान देना, मतलब 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 360 के बराबर, तो हमारा पाई रेडियन, थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कुछ करना चाह रहा हूँ, पाई रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर, 2 का डिवाइड कर दिया, और 1 रेडियन कितने के बराबर हो जाएगा, 1 रेडियन इजिकल टू 180 डिग्री अपॉन पाई, ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, 1 रेडियन की, हमने 1 रेडियन की वैल्यू, और ये किस में आएगी, डिग्री में। मतलब यहां से एक छोटी सी नई चीज आपको समझ मिली, आप किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज कर सकते हैं और रेडियन को किस में चेंज कर सकते हैं, डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला आ गया रेडियन से डिग्री में चेंज करने का और डिग्री से रेडियन में चेंज करने का। अब देखिए यहीं से मैं एक चीज और ले रहा हूं, थोड़ा सा मेरी बात पर ध्यान देना, इसको उठा के यहां पर ले लो, तो हमने यहां से क्या निकाला है, 2 पाई इजिकल टू 360, तो पाई इजिकल टू कितना आ गया, 180। समझ में आया कि पाई की 180 की वैल्यू निकल के कहां से आई, ऐसे निकल के आई पाई इजिकल टू 180, कोई जादू थोड़ी ना है, हर चीज का डिफाइन है भाई। और मैं आपसे कहूं यहीं पर अपॉन टू कर दूं तो पाई अपॉन टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, सिंपल सी बात है, इतनी बात क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए थोड़ा सा इसी में हल्का सा चीज और लेते हैं, जैसे कि अभी अभी मैंने आपको एक सर्कल बना के दिखाया, इस सर्कल में मेरे क्या थे, 4 क्वाड्रेंट थे, मैं जानता हूँ इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ जो वैल्यू होती है आप जानते हो क्या होती है, प्लस प्लस वाली होती है, ये वाली प्लस, ये भी प्लस, यहाँ क्या होती है हमारी माइनस और प्लस, एक्स एक्सिस माइनस, पहले एक्स एक्सिस आता है फिर वाई एक्सिस आता है, फिर क्या होती है हमारी यहाँ पे, यहाँ पे ले तो ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, तो माइनस और माइनस होती है, यहाँ पे क्या होती है, एक्स पॉजिटिव होता है तो प्लस और माइनस होती है। यहाँ पे हम ये क्वाड्रेंट वाली बात जानते हैं, इस क्वाड्रेंट को थोड़ी सी मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ, जिसको मैं एक नाम दे दूँ, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, यहाँ पे हमने साइन थीटा वाइन थीटा ये सब पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि कोई एक ये सर्किल है, थोड़ा ध्यान दे रहा है, मैंने कुछ लिखा था ना, एक मैंने लाइन बोली थी, मैंने आपसे कहा था कि इसको याद रखना, मैं दोबारा बोलूँगा कि एंगल बढ़ने पे मेरी हाइट बढ़ रही है फिर घट रही है। अब देखो उसका यूज़ करके दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने यहाँ पे कोई एक एंगल लिया, यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, ये हाइट आई, अब इस एंगल को थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ फिर से मेरी हाइट आती है ये, मैं यहाँ पर जानते हैं ये हाइट मेरी परपेंडिकुलर कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है, बेस कहलाती है, यहाँ से एक पाइथागोरस का फॉर्मूला भी आता है, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। अब थोड़ा सा ध्यान देना, जैसे जैसे थीटा बढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरा क्या बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी। अच्छा हाइट बढ़ेगी मतलब परपेंडिकुलर बढ़ेगा, और परपेंडिकुलर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, आपने एक चीज पढ़ी हुई है क्या, साइन थीटा, पी अपॉन एच, बात समझ में आ रही है, पी अपॉन एच, मतलब जैसे जैसे एंगल बढ़ता है परपेंडिकुलर बढ़ता चला जाता है, और हम जानते हैं क्या, यहां से बढ़ाने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, यहां पे आके साइन थीटा हाईएस्ट हो जाता है, साइन थीटा बढ़ रहा है तो देखो यहां पर ये मैंने डाला तो ये बेस इतना, फिर यहां पर मैंने एंगल बढ़ाया तो
परपेंडिकुलर तो बढ़ा लेकिन बेस क्या हुआ, कम। मतलब परपेंडिकुलर के अपोजिट चल रहा है बेस, तो साइन थीटा के अपोजिट कौन चलता है, कॉस थीटा। सही में ये सारी बातें सब लिंक हैं। अब थोड़ा सा आज 11th में आके थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देके समझा रहा हूँ, वैसे आपके कोर्स में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है, केवल एक इंट्रोडक्शन टाइप दे रहा हूँ मैं आपको, समझे। इसलिए साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है, ये रीज़न है। और मैथ वाले तो ये तक पढ़ेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, ये वही वाला रीज़न आ जाएगा क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट बढ़ी फिर घटी फिर नेगेटिव में गई। बात समझ में आ रही है। और यदि मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक चलता है, 0 से 90 डिग्री, ये कहाँ से चलता है, 90 से 180 डिग्री, फिर 180 से 270 और 270 से 360। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पर एक चीज और आती है जो फर्स्ट चैप्टर में भी यूज में आएगी, यहाँ से एक चीज और निकाली गई, जैसे अभी मैंने आपको रेडियन और डिग्री का अंतर बताया, यहाँ पे हम इसको मिनट और सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। दो रिलेशन प्रूव हुए, इसका मैंने पिछले साल बच्चों ने थोड़ी बहस की थी 11th के बच्चों ने, तो मैंने इसका प्रूफ भी उनको करके बताया था, लेकिन इसका जरूरी नहीं है प्रूफ। वो बहस कर रहे थे कि मुझे टेस्ट कर रहे थे कि मुझे आता है कि नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने उनको साबित किया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जिससे पढ़ रहे हो वो काफ़ी कुछ जानता है कि 1/60 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 मिनट के, और 1 मिनट को 1 डैश से डिनोट करते हैं मिनट, ठीक है। यहाँ पर 1/60 मिनट किसके बराबर होता है, ये तो आप बच्चों वाली बातें जानते हो, 1 सेकंड के, 1 सेकंड को हम डबल डैश से डोट करते हैं। अच्छा डिग्री को भी मैं सेकंड में चेंज कर सकता हूँ, पता है ना 1/360 हो जाएगा ना, 6 × 36, तो इस 1 सेकंड को डिग्री में चेंज करता हूँ, मतलब किसी को भी हम डिग्री में चेंज कर सकते हैं, रेडियन में चेंज कर सकते हैं, मिनट में चेंज कर सकते हैं, सेकंड में, ये कन्वर्जेबल भी आपका आएगा फर्स्ट चैप्टर में, जो आप फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद कुछ रिलेशंस हैं जो आपने पढ़े हुए, थोड़ा उनका डिस्कशन कर लेते हैं हम, जैसे कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन है। और कुछ नई चीजें जो आपको आनी चाहिए, मैं आपको बताता हूँ कौन सी वाली। तो ये इतने सारे फॉर्मूले होते हैं आपको दिखाना चाहूँ तो, ठीक है, पर लेकिन आपके जो रियल में काम में आएंगे वो जो मैंने टिक लगा रखा है, ये साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, तो कोई इन सब के प्रूफ है फिजिक्स में, मैं कहते हैं फिजिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, फिजिक्स की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले शुरू में बता रहा हूँ, साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, आपके इतने तो काम के आइए, मैंने 6 टिक लगाए हैं। वैसे होते बहुत कुछ हैं, ये 270 प्लस इतना टर्म सब कुछ, इसमें कुछ फॉर्मूले जो आपको नोट करने हैं और जो आपको याद भी करने हैं, काफ़ी डेरिवेशंस में यूज होंगे, जो मैंने जितने फॉर्मूलों पर टिक लगा रखे हैं ये फॉर्मूले आपके सारे काम के हैं। जैसे कि छोटा सा पहला ही फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी साइन टू ए का फॉर्मूला, ये भी यूज़ होता है भाई हमारा, साइन टू ए यूज़ होता है, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी टू साइन ए कॉस ए, ये भी यूज़ होता है, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी अपॉइंट टू कॉस सी माइनस डी अपॉइंट टू, ए का डेरिवेशन में ये भी यूज़ होता है। तो इन जो फॉर्मूले पे मैंने टिक लगा रखे हैं, इन फॉर्मूले को आप अपने नोट्स जो बना रहे हो उस कॉपी में नोट कीजिएगा विधिवत तरीके से, ठीक है। उसके बाद कुछ वैल्यूज होती हैं, अभी तक तो आपने केवल 90 तक वैल्यू पढ़ी है, ये वैल्यू होती हैं हमारी जो साइन थीटा की 0 की 30 45 60 90 फिर 120 120 के बाद 135 150 180 270 और 360, इस तरह की वैल्यू काफ़ी कुछ आइटम है यहाँ पर, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिएगा,
कल हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, इसे डिफरेंशिएशन भी नाम बोलते हैं, और ये मतलब मैं कहूँ तो मोस्टली डेरिवेशन जितने भी हैं सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर डिपेंड करते हैं, तो कल का मिस मत कीजिएगा, कल हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, आज यहाँ तक के नोट्स कंप्लीट कीजिए आप।